हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त सुमित खरब। दोस्तों, आप काफी अच्छा प्यार दे रहे हैं हमारी सीरीज के अंदर। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, ये चल रही है सोना की, दीनदयाल प्लॉट्स की। जो दीनदयाल के तहत जितनी भी टाउनशिप आती है, हम उनका रिव्यू करने वाले हैं इन 7 दिनों के अंदर। और ये वीडियो हमारी सीरीज की नंबर 4 है। आज के इस सीरीज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरईओ के अपकमिंग प्लॉट आ रहे हैं सोना के अंदर, मेन सोना रोड के ऊपर, सेक्टर 35 के अंदर। अच्छी लोकेशन है, मेन रोड है, सामने सेंट्रल पार्क है। तो दोस्तों, पीछे हमने 3 वीडियो बनाई थी। सबसे पहली वीडियो हमारी थी सोना रोड को लेके, क्योंकि वही एक मेन पॉइंट है जो सोना और गुड़गांव को जोड़ता है। सो सबसे पहले कनेक्टिविटी के लिए आप वो वीडियो जरूर देख ले, अगर आपको कनेक्टिविटी को समझना है। दूसरी वीडियो हमारी आई थी मे फेयर बिल्डर की। उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा रिटर्न मिला था और अभी रेरा आके वो लॉन्च भी हो गया, उसका ब्रोशर वगैरह सब कुछ आ चुका है। हमारी तीसरी वीडियो थी जेएमएस प्लॉट्स के, जो वो भी अपकमिंग, वो भी सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत चल रहे हैं, वो है सेक्टर 5 के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग प्लॉट आईडीओ के, वीडियो नंबर 4 के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डर के बारे में। बिल्डर ने एक्सटेंशन रोड पे काफी लग्जरी सोसाइटियां डिलीवर्ड भी की हुई हैं, और एक प्रोजेक्ट था इनका सेक्टर 67 में, वो प्रोजेक्ट थोड़ा इनका अटक गया था। वहां पे जाके ये मार खा गए थे। रीजन ये था कि बिल्डर आगे के आगे लैंड लेता गया, प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया। सोना के अंदर भी सबसे ज्यादा लैंड वो आईरियो के पास है। सेंट्रल पार्क ने भी जो भी लैंड परचेज की है वो आईरियो से की है। हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी मेफेयर बिल्डर की, तो मेफेयर बिल्डर ने भी 18 एकड़ वहां से उससे परचेज भी की थी। तो अभी ये जो आईरियो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है सेक्टर 35 के अंदर, और इसकी जो टोटल लैंड बैंक की बात करूं तो ये 60 एकड़ के अंदर दीनदयाल प्लॉट लेके आ रहा है। तो वीडियो के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियो लाइनअप है दीनदयाल की और सोना की सीरीज में। हम अच्छी टाउनशिपों को इसमें कवर करने वाले हैं, जो फ्रंट की जो भी टाउनशिपें आ रही हैं उनके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या रेट हो चुके हैं, आपको ने अगर लिया है तो आपको कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं साइट के ऊपर, जानते हैं आज की इस वीडियो में आईरियो की टाउनशिप के बारे में, दीनदयाल प्लॉट्स। दोस्तों, सीरीज की वीडियो नंबर 4 आईरियो प्लॉट। अभी हम आ गए हैं सेक्टर 35 मेन सोना रोड के ऊपर है। सामने देख रहे हैं आप, ऊपर का पुल है और ये लैंड है आईरियो की। आईरियो की ये लमसम 50-60 एकड़ है। अभी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी लैंड के ऊपर फेस वाइज ये यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। मेन रोड से एंट्री रहेगी। बगल में जो अपार्टमेंट देख रहे हैं वो तुलसियानी का है प्रोजेक्ट, और पीछे जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं वो दी मीलिया है सिल्वर ग्लेड का, और उसके बैक साइड में आ जाती है पूरी अरावली की शाखाएं। ये लास्ट सेक्टर है, इसके पीछे कोई सेक्टर नहीं है, पीछे सिर्फ पहाड़ियां हैं दोस्तों। और ये जो अपार्टमेंट है ये भी जल्दी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इस अपार्टमेंट को डिलीवरी होते होते, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने पड़ता है सेंट्रल पार्क, जो आप सामने देख रहे हैं। और इस ये जो रोड है ये प्रॉपर रनिंग है, सर्विस लाइन है, लेकिन बस स्टॉप अभी यहाँ नहीं बना है कहीं भी आसपास इस टाउनशिप के। और थोड़ी दूर आप जाके सामने देख रहे हैं कि फ्लाईओवर है, जो एक अंडरपास आता है। अगर आपको वापस सोना जाना है तो उस फ्लाईओवर से आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा, तब आप वापस सोना की तरफ जा सकते हैं। अगर गुड़गांव जाना है तो आप स्मूथली आप जा सकते हैं, 15 मिनट का रास्ता है। तो ये टाउनशिप है, यहाँ आईरियो लेके आ रहा है लमसम 60 गज के अंदर ये प्लॉट सब टाउनशिप आती है। और अभी ये धीरे धीरे लमसम 16-17 एकड़ के अराउंड इसको लॉन्च करेगा। और सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये है गोदरेज का नेचर प्लस। और अगर इसके साइज़ की बात करें, आईरियो के जो साइज अभी लॉन्च होने वाले हैं वो लमसम आप मान सकते हो कि 130 गज से लेके 170 गज तक के लमसम आइडिया के हिसाब से मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कोई क्लियर कट अभी कुछ पता नहीं है। जस्ट ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। तो उसके हिसाब से इसके अंदर प्लॉट आने हैं। अभी कोई पेमेंट प्लान, कोई मैप वगैरह, कोई नक्शा वगैरह अभी नहीं आया है इसके अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये जो टाउनशिप है काफ़ी अप्रिसिएशन होगी, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट लॉन्चिंग के अंदर है। एप्रिसिएशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रेट है आसपास की टाउनशिप के लिए, जैसे कि ATS होमक्राफ्ट आया था, वहाँ पे 1.5-1.10 का रेट है पर गज का। सामने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली है, अभी लास्ट रीसेल हुई है 1.48 की। तो और उसके बगल में ही अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो ब्रिज के हैं, ब्रिज का अफोर्डेबल है, और साथ में इसके ब्रिज के दीनदयाल के फ्लोर्स आते हैं। और बाद में अगर इसके पिरामिड है, जैसे
उसके अंदर भी काफ़ी 80-90 हज़ार रुपये गज का रेट हो चुका है। और ये अगर हम बात करें तो पीछे आ गए हैं और अंदर की साइड आ गया हूँ मैं, तो ये वाली लैंड है, ये पूरी NHA उस आपके हाईवे तक जाती है, सोना रोड तक। ये मिलिया का प्रोजेक्ट है और जिस रोड पे मैं हूँ यही रोड डायरेक्ट आपको हिट कर रहा है सोना रोड के साथ। ये भी वैसे रेवेन्यू रास्ता है, मेन 24 मीटर ये जो आप आगे देख रहे हैं वो आने वाला है, और फिर एक 24 मीटर और पीछे है जो सेंट्रल आपके सिग्नेचर ग्लोबल से लेके और पीछे तक जाएगा। तो ये जो टाउनशिप है काफ़ी बड़ी है और इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से चीज़ें देखा जाए तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें जब लॉन्चिंग प्राइस होगा लमसम 1+ का इसके अंदर लॉन्चिंग प्राइस होगा। सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत अगर हम प्राइस की बात करें तो लमसम 75-80 के लमसम यहाँ पे रेट चल रहा है अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत। आप पीछे तक नज़र मारोगे बहुत बड़ी एकड़ लैंड है, यहाँ पे प्लॉटों की मार्किंग कर दी गई है, यहाँ पे जो खाली एरिया है आप देख रहे हो, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पीछे जो अपार्टमेंट देख रहे हैं वो HCBS का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है और जस्ट इससे थोड़ी दूर आगे अगर हम चलते हैं तो शिवा सोम वैली आ जाएगा, पिरामिड का और भी कई टाउनशिप हैं। और अगले साल दी मीलिया के अंदर भी पोजीशन होने जा रही है, जनवरी फरवरी से यहाँ पे पोजीशन टावर वाइज होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ भी काफ़ी लग्जरी फैमिलियाँ रहेंगी, क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये काफ़ी कॉस्टली है। और पीछे पूरा व्यू है वो पहाड़ी का है, क्योंकि पीछे कोई सेक्टर नहीं आना, कोई हाई राइज नहीं आना, तो लो राइज का एक अच्छा फील होगा यहाँ पर। एंड यूज प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों देख सकते हैं, क्योंकि एंड यूज भी यहाँ भी अच्छा आएगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोर्स का कंसेप्ट भी रख के प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो कल को जाके आप यहाँ पे सेल करना चाहो तो एक फील आएगा यहाँ पे अरावली का। देखो एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो अभी एमिनिटीज़ का कोई खास पता नहीं है कि यहाँ पे क्लब हाउस वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। बेसिक तो आपको पता है जी, ओपन जिम होती है, गार्डन होता है, गेटेड टाउनशिप होती है, CCTV कैमरे होते हैं, G+4 का कंसेप्ट होता है, क्योंकि दीनदयाल का सबका सेम कंसेप्ट होता है, डिफरेंट होता है सिर्फ क्लब जिम उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो डिफरेंट होती है। अब तक हमने ये चौथी वीडियो अपनी सीरीज़ की है, तो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियल अगर हम देखें हमारी सीरीज़ के अंदर सोना के लिए, तो इन चार वीडियो में मुझे सबसे बेटर जो टाउनशिप लगी थी वो मेफेयर के लिए गई थी, क्योंकि अभी IREO का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी क्लियर कट कुछ आया नहीं है कि लॉन्चिंग हो गई तो क्या पे किस टाइप की होगी, तो अभी इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। क्योंकि जब हम एक वीक की जो वीडियो बना लेंगे, पूरी हमारी जो सीरीज़ है वो 7 दिनों की है, 8वें दिन हम पूरी इन सभी टाउनशिपों का एक रिव्यू रखेंगे कि सबसे बेटर एप्रिसिएशन वाली टाउनशिप कौन सी थी, किस में आपको जाना चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से अगर आपको ये समझ आती है कि यहाँ पे आपकी नीड कंप्लीट हो रही है तो आप इसमें अभी लगाने का फ़ायदा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर एक अच्छे टाइम पे एक अच्छे रेट पे इंटर हो जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। चलिए आपको यहाँ से मैन सोना रोड तक दिखा देते हैं कि कैसा रास्ता है। ये जो रास्ता है बीच में अगर दोनों साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फार्म हाउस लैंड है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस लैंड है दोनों साइड, तो फार्म हाउस के बीचों बीच ये रेवेन्यू रास्ता है और यही दो कनेक्ट करता है ये आपको सोना, और यहाँ से जो प्रॉपर्टी मेन रोड तक है 1 किलोमीटर तक का यहाँ पे रास्ता आता है। और जो अभी मेन जो कनेक्टिविटी आनी है वो तो सोसाइटी के अंदर से ही आएगी, मेन आपकी यहाँ से एंट्री नहीं होने वाली है प्रोजेक्ट की, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर से ही रास्ता आपको मिलेगा पूरी टाउनशिप का। तो ये एक रेवेन्यू रास्ता है, मिलिया सिल्वर ग्रेड जो मिलिया है पीछे जो हमने अब देखा था, तो उसके अंदर भी जो टाउनशिप है उसको भी यही लोग यूज कर रहे हैं। तो सोना रोड के ऊपर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे लैंड है वो एंड होती जा रही है और रेट काफ़ी रिवाइज होते जा रहे हैं, इतने रेट होते जा रहे हैं। इतना तो गुड़गांव के अंदर भी कोई इस टाइप की अगर स्टार्टिंग की टाउनशिप देखें तो वो भी बेटर नहीं है। तो दोस्तों मेफेयर की भी एक मानेसर के अंदर दीनदयाल लॉन्च होने जा रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। और आप दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा ब्लॉग रीड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल वहाँ मेंशन कर देते हैं, जैसे कि पेमेंट प्लान हो गया या अदर जो साइज वगैरह, बाकी क्या क्या एमिनिटीज़ और वो सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, कितना बेनिफिट होने वाला, वो सब हम वहाँ पर रीड डाल देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,